नमस्कार दोस्तों, अगर YouTube से आपको भी है पैसे कमाना तो भूल के भी बैंक ऑफ बड़ौदा को मत लगाना, क्योंकि अगर दिया बैंक ऑफ बड़ौदा का लगा तो समझ लो पैसे हो जाएंगे स्वाहा स्वाहा स्वाहा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने स्टार्टिंग में बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में ऐसा क्यों बोला आप ये सोच रहे होंगे, क्योंकि देखिए अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपका भी बैंक में यूट्यूब पेमेंट भेजे और आप कौन सा बैंक सिलेक्ट करना चाहते हैं इस बारे में आप विचार कर रहे हैं और यदि आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता है और आप सोच रहे हैं मैं इसको लगा दूं, तो एक मिनट इस वीडियो पर रुकिए और पूरी मेरी बात सुनिए और मेरे साथ जो जो हुआ मैं आपको वो बताता हूं, तो उसके बाद क्या पता आपको समझ आ जाए। तो देखिए पहले मेरे पास बैंक ऑफ बड़ौदा का खाता के अलावा और कोई अन्य खाता नहीं था क्योंकि मैं हूँ शरीफ बालक। लेकिन फिर यूट्यूब पर मैं धीरे धीरे आया और यूट्यूब पर आया तो 2 लाख तक सब्सक्राइबर भी मैंने बना लिए। तो अब भाई 2 लाख तक सब्सक्राइबर बने तो पैसे तो आएंगे ही, तो पैसे किस पे लेना। मैंने कहा बैंक ऑफ बड़ौदा ठीक है क्योंकि वो भी सरकारी बैंक है और SBI भी सरकारी बैंक है। तो SBI का खाता खुलवाने के लिए मैंने कहा कि छोड़ो कौन झंझट करे, एक ही खाता ठीक है। तो मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा का डाल दिया। अब पहली पेमेंट आई तो उसके जो बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज थोड़े से ज़्यादा हैं, तो वो चार्ज कटे। तो मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, कटता है कटने दो। दोबारा फिर यार थोड़ा सा दिल पे बुरा लगा कि यार मतलब हर बार कटेंगे क्या। तो मैंने इसके लिए कंप्लेन भी करी बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि ये इनके इंटरनेशनल चार्जेस हैं। मैंने कहा ये तो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई चार्ज हो गए। फिर उसके बाद क्या, फिर हमने खाता चेंज किया और अब मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मेरे को पेमेंट कितनी कितनी मिली थी और बैंक ऑफ बड़ौदा ने मेरे को कितनी भेजी और कितने पैसे वो काटती है बैंक ऑफ बड़ौदा इंटरनेशनल चार्जेस उनकी। पहली पेमेंट मेरी ये थी जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा ने काट के मुझे ये दिया। उसके बाद दूसरी पेमेंट मेरी ये थी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने काट के मुझे ये दिया। इसमें देख सकते हैं इसमें मेरे को कितने डॉलर मिले और इसमें देखिए मेरे को बैंक ऑफ बड़ौदा ने कितने डॉलर मेरे अकाउंट में डाले। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अपनी दोनों पेमेंट आपको दिखाई, दोनों ही पेमेंट में मेरे 16 डॉलर पैसे कट गए हैं, उसके बाद मेरे को कुछ पैसे मिले। हाँ मैं जानता हूँ मेरा चैनल थोड़ा डाउनफॉल पे है, ये पैसे एक बार की हो तो आप कटवा सकते हैं, लेकिन अगर बार बार कटवाना हो तो ये सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो इसी दिक्कत से बचने के लिए मैंने फिर नया SBI का खाता खुलवाया, उसमें सिर्फ 50 रुपये सर्विस चार्ज और 45 रुपये एक्सचेंज चार्ज के कटते हैं, जो कि एक्सचेंज चार्ज वो जो आपके डॉलर को इंडियन रुपीज़ में करते हैं। तो अगर आप भी SBI का खाता खुलवाना चाहते हैं तो खुलवा सकते हैं, बढ़िया है। मैं ये नहीं कहता कि बैंक ऑफ बड़ौदा बुरा है, क्योंकि टैक्स के मामले में थोड़ा सा तो देखा जा सकता है, लेकिन देखो सर्विस के मामले में बैंक ऑफ बड़ौदा बढ़िया है। SBI की सर्विस ठीक है, बस उसमें क्या है कि लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा अगर आप SBI के ग्राहक हो तो काफ़ी लंबी लाइन लगती है। लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा में आप जाएंगे फट से आपका काम हो जाएगा। बस बैंक ऑफ बड़ौदा के चार्ज ज़्यादा हैं और SBI के थोड़े से चार्ज कम हैं। तो देख सकते हैं अगर आप भी यूट्यूबर हैं और आपको पैसा चाहिए तो आप SBI में, वरना और अन्य प्राइवेट सेक्टर वाले बैंक हैं उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी एक नया यूट्यूबर हूँ और जो गलती मैंने करी है वो गलती आप ना करें। तो वीडियो अगर आपको लगी है कि हाँ मेरे को समझ आ गया है तो वीडियो को जो लाइक है ना वो दबा देना, एम करते हैं हम 10 मिलियन लाइक का। पता है मुझे नहीं होगा क्योंकि मेरे तो 2 लाख सब्सक्राइबर है, 10 मिलियन लाइक का होगा। बस कर दो जो आपके बस की है वही कर दो, उसके बाद हम देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता। मिलते हैं कौन वीडियो में, धन्यवाद।